तारीख नजदीक आ रही है, सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। अब स्टार प्रचारकों को लेकर भी जंग छिड़ गई है। एनडीए के स्टार प्रचारकों पर इंडिया अलायंस ने हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। झारखंड में आईएनडीआईए और एनडीए के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। एनडीए की तरफ से पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, तो इंडिया अलायंस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शिबू सोरेन, लालू यादव जैसे बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे। अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होते ही जुबानी जंग छिड़ गई है। जेएमएम का कहना है बीजेपी के पास कोई स्टार नहीं है जो झारखंड में प्रचार करे। उनके चुनाव प्रभारी झारखंड में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। झारखंड में एक ही स्टार है, वो है हेमंत सोरेन, जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं। गांवों में चले जाते हैं ये लोग, हेमंत बिस्व शर्मा, मध्य प्रदेश का वो व्यापम घोटाले का आरोपी जो है, वो कहीं भीड़ है, कोई सुनना चाहता है, कोई देखना चाहता है इन लोगों को, इसे सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए गेस्ट आर्टिस्ट हैं ये लोग। वहीं कांग्रेस का कहना है कि झारखंड में स्टार सिर्फ हेमंत सोरेन और राहुल गांधी होंगे। आईएनडीआईए के लिए असली स्टार प्रचारक जनता है। धरातल पर तो स्टार प्रचारक यहाँ हेमंत जी ही हैं, राहुल जी हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने की बात कही है। उधर बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के स्टार प्रचारक हैं, जिनकी लोकप्रियता दुनिया भर में है। देश के सबसे बड़े अगर स्टार प्रचारक जो दुनिया में जिनकी लोकप्रियता आसमान छूती है, वो देश के यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक है, और तो और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही स्टार प्रचारक नहीं है, वो भारत के भी स्टार प्रचारक है। अभी तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है और अभी से ही जुबानी हमले शुरू हो गए हैं। अभी तो चुनाव प्रचार बाकी है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। सीता सोरेन पर इरफान अंसारी के विवादित टिप्पणी को लेकर झारखंड का सियासी